उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय संचार मंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के 84वें जन्म दिवस पर उनके पुत्र उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के उपसभापति जितेंद्र बहादुर सिंह द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय गोरखपुर के इमरजेंसी वार्ड में गरीब और असहाय मरीजों में कंबल वितरण किया गया। इस संबंध में उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी गरीब असहाय लोगों की मदद करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे। हम भी उनके सपनों को साकार करने के लिए उन्हीं के पदचिन्हों पर चलकर सफल सार्थक प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के उपसभापति जितेंद्र बहादुर सिंह ने कहा, दो लावारिस और बाहर घूमने वाले हैं तो बाहर घूम रहे हैं। उनका बेड कहाँ है? बहादुर सिंह हर साल हम लोग करते हैं। आज का जन्म, आज का जन्मदिन। अच्छा, बहादुर सिंह थे कि आप नहीं बैठे फाउंडेशन की तरफ से है जो पूर्व मुख्यमंत्री उनका जन्मदिन है, स्वर्गीय श्री वीर बहादुर सिंह जी का, वीर बहादुर सिंह फाउंडेशन की तरफ से। ये वीर बहादुर सिंह फाउंडेशन की तरफ से कंबल आपके लिए बाबा। क्या हो गया? सुई नहीं लगेगा। क्या हुआ? हर वर्ष के भांति स्वर्गीय श्री वीर बहादुर सिंह फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग यहाँ गोरखपुर अस्पताल में चिकित्सालय में हम लोग आकर यहाँ कंबल का वितरण करते हैं। और इसी बहाने एक जन कल्याण का भी कार्य हमारे संस्था के माध्यम से हो जाता है। और हमारा प्रयास रहता है कि पिताजी के पदचिन्हों पर हम सब चलें और उनके सपनों को आगे बढ़कर साकार करें। और इसी लक्ष्य को हम लक्ष्य प्राप्ति के लिए अग्रसर हैं और लगातार लगे हुए हैं। धन्यवाद।